नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं खबर फास्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। गुरुग्राम से बड़ी खबर आ रही है। मानेसर के इलाके में भीषण आग लग गई, जहां सेक्टर 6 के पास पड़े कूड़े के ढेर में आग लग गई। झुग्गी झोपड़ियों समेत कई वाहन भी जलकर इसमें खाक हो गए। आग लगने के बाद झुग्गियों में रखे सिलेंडर फटे। दमकल की 35 गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आग लगने के बाद अफरा तफरी की स्थिति वहां पर बन गई। तो दमकल की 35 गाड़ियां मौके पर पहुंची। गुरुग्राम के मानेसर की यह घटना है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आग किस रूप में है, किस विकराल रूप में है। यहां दरअसल कूड़े का एक ढेर था, जिसमें पहले आग लगी, उसके आसपास की झुग्गी झोपड़ियों में ये आग पहुंची, और इसकी वजह से यहां आसपास खड़े वाहन भी आग की चपेट में आ गए। दमकल विभाग की 35 गाड़ियां मौके पर पहुंची, तब जाकर के इस आग पर काबू पाया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितनी भीषण ये आग जो है, और किस तरीके से, कितने विकराल रूप इस आग ने लिया हुआ है। यहां आसपास जो झुग्गियां थी, जैसे ही झुग्गियों में आग पहुंची, वहां पर रखे गैस के सिलेंडर जो है वो फट गए, और आग ने और ज्यादा विकराल रूप धारण कर लिया। झुग्गियों में रहने वाले लोगों ने किसी तरीके से अपना बचा हुआ सामान वहां से उठाया और वहां से निकले। चलिए, गुरुग्राम से सूरज है हमारे संवाददाता, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। सूरज, जानना चाहेंगे इस घटना के बारे में, क्या फिलहाल क्या अपडेट है? देखिए अरुण, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, जहां पर देर रात करीब 12 बजे मानेसर में करीब 25 एकड़ वहां पर जो जगह थी, यानी जो झुग्गियां डली हुई थी, वहां पर भयानक आग लग गई। करीब जो मेवात, रेवाड़ी और गुड़गांव की फायर ब्रिगेड टीम वहां पर पहुंची है। करीब वहां रात के करीब 4 बजे वहां पर उसको आग को काबू पा लिया गया है। हालांकि इतना दूर है कि अभी भी सर्च ऑपरेशन वहां पर तैयार किया गया है कि कोई किसी को अनहोनी ना हो जाए, यानी कोई किसी के साथ ऐसी दुर्घटना ना हुई हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो शॉर्ट सर्किट का इसको माना जा रहा है, लेकिन अभी भी जो वहाँ टीम है वहाँ पहुंची हुई है। और करीब 12 बजे ही एक चिंगारी से, क्योंकि देर रात आंधी आई थी यहाँ पर, आंधी के जरिए, और यहाँ पर जो तारे हैं वो आपस में शॉर्ट सर्किट हुए हैं और फिर आग लगी है। आग इतनी भयंकर थी अरुण की उसको काबू पाना बहुत ही मुश्किल था। हालांकि कई जो जिले से वहाँ पे फायर ब्रिगेड गाड़ी मंगाई गई, यहाँ टीम पर पहुंची। करीब 8 से 10 घंटे मशक्कत के बाद उस आग को काबू पा गया। जीरो बिल्कुल सूरज, ये भी बताएं कि ये जो एरिया है जहां पर ये आग लगी है, इसके आसपास रिहायशी एरिया कितनी दूर दूर में है और किस तरीके की ये जगह है? देखिए बिल्कुल, मैं आपको पूरी पूरी डिटेल यह बताना चाहूंगा कि करीब अगर आग जो लगी थी वहां पर कुछ झुग्गियां वहां पर लगी हुई थी, जो रिहायशी एरिया है करीब थोड़ी सी दूरी, हाँ, पर जो भाने की लगी थी 25 किलोमीटर के एरिया में वो आग फैलती चली गई। हालांकि इतना जरूर है कि किसी की हताहत होने की वहां पर कोई खबर नहीं है, सर्च ऑपरेशन चला हुआ है, लेकिन रात के टाइम में ये समझ पाना, देख पाना बहुत मुश्किल होता है कि उस टाइम पर आग को काबू पाने में जो टीम लगी हुई थी उसके जरिए, अभी जो सुबह है, सुबह से वहां पर टीम लगी हुई है। हालांकि जो रियासी एरिया, कुछ ही दूर भी रियासी एरिया था, लेकिन अभी तक कोई खबर ऐसी नहीं है। लेकिन इतना जरूर है, जो सामान था, जो झुग्गियां थी, जो लोगों के जो ईंधन था, वो जलकर राख हो गया। जी रघु, चलिए बहुत शुक्रिया सूरज इस जानकारी के लिए। तो ये गुरुग्राम के मानेसर की घटना है, जहाँ घनी आबादी वाले क्षेत्र से दूर जो है ये आग लगी है। गनीमत ये रही कि इसके आसपास घनी आबादी वाला कोई क्षेत्र नहीं था, जिससे कोई बड़ी दुर्घटना होने से बच गई है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और ये जांच चल रही है कि यहाँ कोई हताहत ना हुआ हो इस आग के